Who is the most beautiful place in the world from your idea? India. Thank you so much. So good. गया 1993 में इसे गिनी ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया और इसलिए यहाँ पे हर जगह से लोग आते हैं, अदर कंट्री से भी लोग आते हैं, बहुत सारे कंट्री से लोग आते हैं भाई। जी, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, स्पेन हो गया, उसके बाद फ्रांस से बहुत सारे लोग, यानी कि फॉरेन से यहाँ पे आदमी, यहाँ का जो जो ब्यूटीफुल जो माउंटेन जो देखने में आता है वो काफ़ी शौक से और काफ़ी जज्बे के साथ देखता है। जी, हुमायूं बादशाह का ये कब्र है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं हुमायूं टॉम, जो कि निजामुद्दीन के जस्ट बगल में ही पड़ता है, और हमारे फ्रेंड भी एक मिल चुके हैं। तो चलिए हम लोग दोनों मिलके आपको, आप लोग घुमाना चाहते हैं पूरा अंदर का सीन, तो बने रहिए मेरे साथ। और देख सकते हैं यहाँ ये गेट है, यहाँ से वहाँ से आप आइएगा तो यहाँ पे गेट है, शायद कुछ टिकट भी लगते हैं यहाँ पे। Your comment section is English and my YouTube channel. आप यहाँ पे टिकट ले सकते हैं और यहाँ पे चेकअप होगा हम लोगों का। तो हम आ चुके हैं फाइनली अंदर, तो यहाँ पे ज्यादा फॉरेन कंट्री से लोग आए हैं तो उनसे मिलने में काफी मजा आ रहा है। इसका निर्माण शुरू कर दिया गया था 1565 ईस्वी में और ये बन के रेडी हो गया था 1572 ईस्वी में, और जो इसको जो बनाए थे वो बनाए थे मिरक मिर्जा, जो कि अफगानिस्तान के रहने वाले थे, उनको स्पेशल इसको बनाने के लिए उनको बुलाया गया था यहाँ पर। हेयर स्टाइल कितना खूबसूरत है यहाँ, कितना मेहनत किए होंगे ये हेयर के लिए। फाइनली हम पहुंच चुके हैं मकबरा मेन गेट, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है और इसके अंदर हम लोग जाने वाले हैं, और यहाँ पे ज़्यादा फॉरेन से आए हुए लोग हैं तो मिलके काफ़ी मज़ा आ रहा है हमें। जर्मनी से आए हुए हैं, हमारे मेहमान हैं ये, और काफ़ी खुशी होती है जो हमारे कंट्री में आते हैं जर्मनी से घूमने स्पेशल। ये मकबरा इंडिया का पहला बागों वाला मकबरा है और ये हुमायूं टॉम्स में 150 कब्रें हैं, जो कि उनकी बीबी और उनकी बेटे और काफ़ी मुग़लों का है। ये मकबरा हुमायूं की मौत के 9 साल बाद बनाया गया था और ये मकबरा उनकी विधवा पत्नी हमीदा बानो के आदेश अनुसार अपने शौहर के प्यार के रूप में बनवाया था। मैक्सिको से आए हुए हैं यहाँ पे। फाइनली हम लोग ये ऊपर सीढ़ी चढ़ रहे हैं और देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। और ये आप आराम से चढ़िए प्लीज़, इनको ये काफ़ी खड़ा है। तो ये रहा बाहर का ग्राउंड, तो देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है यहाँ पे। This is beautiful. Are you filming me? I'm on YouTube channel and you won question and where is the capital of England? Don't you know the capital? Where is the capital of England? You tell me. You tell me. You tell me. London. Yeah, exactly. Well done. Go to the top of the class. Yeah. Good boy. Yeah. Thank you. Nice to meet you. Bye. ये सभी लोग जो हुमायूं के जो नज़दीकी थे, जो उनके बेटे पोते जो भी थे, जो उनके सेनापति थे, सेनापति थे, वो उनका यहाँ पे कब्र है। इसके अंदर भी आपको हम लेके चलने वाले हैं मकबरा दिखाने, तो बने रहिए मेरे साथ। पहले हम इधर भी और दिखा देते हैं, फिर लास्ट में आपको अंदर हम लेके चलते हैं, तो आप प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ।
16वीं सदी में इस मकबरे की तामीर के लिए अकबर ने अपने हाथों में इसकी जिम्मेदारी ले ली थी। तो देख सकते हैं भाई, हम लोग अंदर नहीं, हम लोग अंदर इन कर चुके हैं और यहाँ पे कोई भी, सब लोग शूज वगैरह पहन के अंदर आ जाते हैं। और देख सकते हैं काफ़ी सेंटर में हुमायूं बादशाह का जो कब्र है, काफ़ी सेंटर में है और यहाँ सब लोग शूज़ वगैरह पहन के आते हैं। कोई यहाँ पे कोई रोक नहीं है, सब लोग पहन के आ जा रहे हैं। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा क्राउड, कपल का क्राउड रहता है, पता नहीं क्यों। देख सकते हैं इसका आर्किटेक्ट जो किए थे, अफगानिस्तान से आए थे, जो कि काफ़ी खूबसूरत बनाए हैं। और काफ़ी पक्षी भी रहते हैं यहाँ पर। और आपको हम अब ले कर चलने वाले हैं जो कि इनकी दो वाइफ थी उनकी कब्र पर। यहाँ चारों तरफ से आपको सेम ही गेट दिखेगा वो पूरा इस तरफ। तो फाइनली हम उस जगह पहुंच गए हैं जो कि हुमायूं की दो वाइफ थी उनकी कब्र है, ये देख सकते हैं। और इनकी बेटे की कब्र पे हम आपको लेके चलने वाले हैं। ये रहे इनकी तीन बेटे, उनकी कब्र हैं, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं ये दूर से ये सीन है। तो देखते हैं गेट के अंदर, इसमें अंदर में भी कुछ है, तो चलिए उनको वहाँ देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या है। देख सकते हैं ये बहुत पहले का, उस टाइम का ही है ये। तो ये देख सकते हैं ये गार्डन हुमायूं का कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये दिल्ली का ताज महल भी इसे बोला जाता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। हम लोग आ चुके हैं बाहर और इस वीडियो को यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा और ये कमेंट कर दीजिएगा कि इसमें क्या गलती हुई, क्या सही हुई, तो इसको कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो आप कमेंट का वेट करेंगे। धन्यवाद। बाय बाय।